नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और साथ में है विमेंस डे, तो जितनी भी मेरी सब्सक्राइबर बहनें हैं और आप सबको मातृशक्ति नारी शक्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों, एक दिन तो नहीं होता लेडीज़ के लिए या विमेंस के लिए, ये तो पूरा जो साल है ना वो ही हमारा है, क्योंकि हमारे बिना मुझे नहीं लगता कि हमारा घर चल पाएगा। तो दोस्तों, इसी पर आज एक वीडियो बनाते हैं। और मेरी कुछ सब्सक्राइबर बहनें हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि मैम फुल वीडियो लाइए, तो आज मेरा मार्च अपडेट भी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बुद्धा कॉर्नर से। तो दोस्तों, ये जो पहले आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी आप ये छोटे मेरे पॉट्स देखते हैं जिसमें मेरी सैपलिंग्स होती हैं, और ये मैं सब विंटर गार्डन के बाद इनको रख देती हूँ एक के अंदर एक करके गैलरी में, मिट्टी खाली कर, और उसके बाद मैं ये सेप्टेम्बर में निकालती हूँ, फिर इनको वॉश करके, इनको पेंट करके, तब मैं इसमें नया सॉयल मिक्स लगाकर और फिर अपनी सैपलिंग्स को ग्रो करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा जो गार्डन है अरेंज रहता है। गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ये छोटे छोटे पॉट्स में कई बार जो सैपलिंग्स है वो मरने लगती है, या फिर गर्मी के कारण ये पौधे अच्छे नहीं होते हैं। उस टाइम पर मैं कम गमलों में ही अपना गार्डन लगाती हूँ। और इस टाइम पर तो क्योंकि फूलों की इतनी भरमार होती है और हमें लगता है कि सारे ही फूल हम अपने गार्डन में लगाएँ, तो इसलिए मैंने 100 पॉट्स जो हैं अपने रखे हुए हैं अलग, और इसमें सिर्फ मैं विंटर गार्डन की प्रिपरेशन करती हूँ। तो यहीं से स्टार्ट करके आपको दिखाती हूँ कि जो ये रेनिकुलस हैं दोस्तों, ये मैंने छोटी छोटी सैपलिंग्स लगाई थी, जो बाज़ार में जो ट्रे में सैपलिंग्स मिलती हैं वो ही मैंने लाकर इनको लगाया था। तो रेनिकुलस दो तरीके से होता है, एक तो आप इनके बल्ब्स को संभाल लीजिए, बल्ब से भी लगते हैं और छोटी सैपलिंग से भी लगते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने लगाया, पाला पोसा, पर मेहनत इतनी करी और हमें उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले या फूल अच्छे नहीं खिले। तो कई बार मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती हैं या सब्सक्राइबर्स बोलती हैं कि मैम हमारे फूल अच्छे नहीं खिले। तो दोस्तों, उसका कारण होता है, एक तो आपकी सैपलिंग अच्छी नहीं होगी, या जो आपके बीज लिए होंगे वो पुराने होंगे, जो सीड्स का जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाता कई बार। तो आप सैपलिंग्स लीजिए, वो ईजी भी लगती है और सस्ती भी पड़ती है। जैसे नर्सरी से आप लगे लगाए तैयार पौधे लाते हैं तो वो हमें महंगे भी पड़ते हैं और वो दो चार फूल खिलकर ख़त्म हो जाते हैं हमारे गार्डन में। तो अगर आपको हैवी ब्लूमिंग लेनी है तो छोटी सैपलिंग्स लीजिए, उनको ट्रेंड कीजिए, उनको ट्रिमिंग कीजिए, पिंचिंग कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छी उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपको इस वाली साइड लेकर आई हूँ गार्डन की अपनी। तो यहाँ पर दोस्तों, एक वर्टिकल स्टैंड मैंने लगा रखा है और उसके ऊपर मैंने हैंगिंग बास्केट्स को टांगा है, तो उसमें सब में स्टार पिटूनिया आप देख रहे होंगे लगी हुई हैं। और जो वर्टिकल स्टैंड है अभी आधा अधूरा लगा है, क्योंकि इसमें अभी पूरी तरह से फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये है कलांचू। तो दोस्तों, कलांचू जो है ये हाइब्रिड वाला है और ये मेरा अब 4-5 साल पुराना है। तो मैं जब लेके आती हूँ कोई भी प्लांट नर्सरी से, तो मैं इसको मल्टीपल, इसकी जो शूट्स होती हैं उनको अलग अलग गमलों में लगा लेती हूँ। काफ़ी सारी मेरी कटिंग्स तैयार हो जाती हैं, और बरसातों में तेज़ बारिश से, तेज़ पानी से इसको बचाना है, बाकी ये आपके साथ पूरे साल भर बना रहेगा। आप इनको थोड़ा सा शेड में रख दीजिए बरसात में, तो आपके साथ ये चलता रहेगा पेरिनियल। तो मैं आपको पहले यहाँ से दिखाती हूँ कि ये जो बास्केट्स हैं, देखिए इन्होंने तो खिलना शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ा ऊपर है और धूप इन पर पड़ रही है। तो बाकी जो नीचे है, ये सब मैंने छोटी छोटी सैपलिंग्स लाकर आपके साथ ही ग्रो करी थी, तो इनको हमने ऊपर से पिंच कर दिया था। तो देखिए कितना ज़्यादा इन्होंने अपने को बढ़ा लिया, इसकी मल्टीपल शूट्स निकल गई, जिससे कि पूरा ही मेरी जो बास्केट है, गमला है, दिख भी नहीं रहा है। और इसमें दो दो तीन तीन सैपलिंग्स मैंने लगाई हैं। ये देखिए, बीच बीच में घास अगर उग जाए तो आप उसको निकालते रहे, वैसे तो ये जो पौधा है ना, ये इतना घना हो जाता है कि किसी को घास वास को उगने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि पूरा ही इसने अपने आप को गमले को कवर कर लिया है। तो इस तरह से ये दोस्तों, अभी यहाँ पर धूप कम है तो इन्होंने अभी खिलना स्टार्ट नहीं किया है, होली तक ये भी खिल जाएंगे। तो जो पौधे मेरे खिले नहीं थे उनको तो बारिश का पानी से और अच्छे हो गए और ग्रीनरी आ गई उनमें, लेकिन जो फूल खिल चुके थे उन पर बारिश की तेज बौछार और ओलों से वो हमारे ख़राब हो गए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से एक यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ अपना टब, और इसमें दोस्तों मेरा जो ये पानी का टैंक था उसको मैंने काट कर बनाया था, ये लोबेलिया है। इस बार मैंने नई सैपलिंग्स लगाई हैं इसमें, और देखिए कलर भी खिलना शुरू हो गया। तो ये पौधा बिल्कुल कवर कर लेता है अपने आप को, और
फिर तो उसके फूल ही फूल दिखते हैं और बिल्कुल पौधा नज़र नहीं आता। तो मैं ये शेयर करूँगी आपसे जब ये खिलेगा। तो मैं बात कर रही थी अपने इस वाटर टैंक की, जिसको काट कर मैंने अपना वाटर जो सारे एक्वेटिक प्लांट्स थे, वाटर लिलीज वगैरह इसमें लगा रखी थी। लेकिन जब पिछले साल डेंगू हुआ तो मैं डर गई और मुझे लोगों ने भी डरा दिया कि आपने पानी के पौधे रखे हैं और मैम इतना डेंगू फैल रहा है। तो मैंने जितने भी अपने एक्वेटिक प्लांट्स थे उनको सबको टेरेस में शिफ्ट किया और इसमें छेद करके वाटर टैंक में इस बार लगाई है पिटूनिया। तो दोस्तों स्टार पिटूनिया है, काफ़ी मैंने सैपलिंग्स लगाई थी तो काफ़ी भर गया था वो, और वो भी मैं फिर आपसे अब होली पे शेयर करूँगी क्योंकि तभी ये फूल खिलेंगे। और अब आपको इधर की साइड थोड़ा सा लेकर आती हूँ अपने गार्डन की तरफ। तो सुबह सुबह का समय है, गजेनिया वगैरह भी खिले नहीं हैं और जो प्लांट्स खिले हुए हैं, जो फ्लावर्स खिले हुए हैं वो आपको दिखाती चलती हूँ। तो पीछे की साइड आप देख रहे होंगे मैंने डहलिया लगाया है, फिर डेंथस लगाया है, फिर जो ट्रेज है उनमें मेरी पिटूनियाज हैं सारी। तो दोस्तों जो है अब इस साइड धूप पड़ती है तो ये इन्होंने खिलना शुरू कर दिया है। और एक यहाँ पे बेल है, ब्लैक आई सूजन, ये भी पूरे साल भर खिलती है, बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स। और फिर हम आगे हैं अपने बुद्धा जी के कॉर्नर पे। तो दोस्तों ये कॉर्नर जो है ये मेरे गार्डन का एक फोकल पॉइंट है, फोकस यहाँ पर रहता है। तो आप भी गार्डन में एक कोना ऐसा ज़रूर बनाएं जहाँ पर जाकर एक नज़र टिक जाए। तो जितने भी रेनिनकुलस हैं इनके आपको कलर्स दिखाती चलती हूँ कि कितने सुंदर इसमें कलर्स आए हैं और छोटी सी सैपलिंग का ये सब कमाल है। तो दोस्तों जब आप पॉटिंग मिक्स बनाएं तो मैं आपसे मतलब बताती हूँ कि आप वो बहुत अच्छा बना लें, बहुत रिच बना लें। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ 70-30 का रेशियो ले लें, 70% आपकी मिट्टी हो, 30% के करीब खाद हो। खाद आप गोबर की सड़ी हुई लीजिए जिससे एक दो साल पुरानी हो, अगर आपके यहाँ नहीं मिलती है तो आप कोई बात नहीं, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा एक मुट्ठी नीम खली, थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर, और अगर आप डालना चाहें तो थोड़े से दाने, 2-4 दाने DAP के डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि जब आप अपनी सैपलिंग को लगाएंगे तो आपको बार बार अपना जो पौधा है उसमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3-4 महीने में ही दोस्तों इसका लाइफ साइकिल होता है। इनको सैपलिंग से पौधा भी बनना होता है, उसके बाद इसमें फूल खिलाने होते हैं, उसके बाद इसमें सीड्स भी बनने होते हैं। तो ज़्यादा टाइम इनके पास नहीं होता है कि आप बार बार इनमें फर्टिलाइज करें या कुछ करें। तो मैं तो सिर्फ एक बार सैपलिंग लगाती हूँ, उसके बाद आप हर 10-10 दिन में इनमें गुड़ाई करते रहिए, पानी का थोड़ा ख्याल रखिए, बाकी इनमें कुछ नहीं करना है। क्योंकि सर्दी इतनी होती है कि हमें ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, उसके कारण कई बार पौधे सड़ने भी लग जाते हैं। इसलिए पानी पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना है, बैलेंस बना के रखना है। और जब आपकी गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी हो तब आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, फिंगर चेक कर सकते हैं। तो ये जो फूल आप देख रहे हैं गिरे हुए, तो दोस्तों परसों जब मैंने शॉर्ट्स डाला था, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तब ये कुछ पौधे जो जिनमें फ्लावर्स थे वो लटक गए हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट सब ठीक हैं। तो जो त्रिपाल डाली उसने अपना कमाल कर दिया और मेरी कलियां भी नहीं टूटी, फ्लावर्स भी पूरे सही हैं, बस एक दो फूल जो हैं जो लटक गए हैं, बाकी तो सब ठीक है। तो इसी तरह से देखिए कलर्स कितने सुंदर सुंदर आए हैं, पिंक में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, डार्क पिंक, लाइट पिंक, ऑरेंज के बहुत सारे कलर्स हैं, ऊपर नीचे एक दो कुछ डार्क हैं, कुछ लाइट हैं, बहुत ही खूबसूरत इसके रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो रेनिनकुलस दोस्तों आप लगाएं, बहुत ही प्यारा फूल है, बिल्कुल गुलाब की तरह लगता है, बस खुशबू नहीं होती, बाकी बहुत ही खूबसूरत फूल है। और अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो काफ़ी वो महंगा देते हैं, 80 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये की थैली देते हैं। और अगर आप घर में लगा लेंगे तो ये मैंने सिर्फ मात्र 8 रुपये की सैपलिंग से इसको लगाया है और इसके ये रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो जब आप सैपलिंग्स लगाते हैं तो आपके लिए गार्डनिंग बहुत सस्ती हो जाती है। अगर आप बीज रखते हैं, देसी वाले बीज रखते हैं, तो उनसे भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत बड़ा एरिया है तो आप क्यारियों में देसी वाले बीज लगाइए, उस पर पॉलिनेटर्स बहुत आते हैं और आपका गार्डन हमेशा चिड़ियों से चहकता रहेगा और दुनिया भर के आपके जो पॉलिनेटर्स हैं वो आएंगे, पॉलिनेट करेंगे। अगर आप फल और सब्जियों के शौकीन हैं तो बहुत अच्छी सब्जियां, फ्रूटिंग आपको मिलेगी। तो इधर की साइड पीछे दीवार जैसे आप देख रहे हैं, ये आप दिखाती हूँ आपको, एलाइसम है दोस्तों, एक एलाइसम की बास्केट जिसमें मैंने 3-4 सैपलिंग्स लगाई थी और देखिए कितना खूबसूरत इसकी बास्केट बन गई है। तो आप इसी तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए एक फ्रीजिया का बल्ब यहाँ पर रह गया होगा, इसमें भी कली आ गई है। तो इसी तरह से दोस्तों पहले मैंने इसमें ओरिएंटल लिलीज लगाई थी इन टब्स में, आपको होगा, और अब मैंने इसमें पिटूनिया की सैपलिंग्स डाल दी, कितना सुंदर इसमें फ्लावर्स आए हैं। तो
तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपना थोड़ा सा गार्डन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलने वाली है। तो आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब आपका जैसे ये फ्रंट मेरी क्यारी दिख रही है तो यहाँ पर तो सारे छोटे वाले फूल मैंने लगाए हैं और जो सब कुछ दिख रहे हो, लेकिन जैसे ये पीछे वाली है दीवार है इधर, तो ये आप देख रहे हैं बड़ा सा लंबा सा श्रिम्प प्लांट है, पीछे डेलियाज हैं, ऊपर की साइड आप देख रहे होंगे बास्केट्स हैं जिसमें पिटूनिया खिला है। तो जब आप इस तरह का फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं या सैपलिंग लगाते हैं तो आप दिमाग में ये चीज़ लेके चलें कि आप पीछे की साइड बड़े लंबे वाले पौधे लगाएं जिसमें कि बड़े वाले फ्लावर्स आएँ और वो एकदम से दिख जाएं, और आगे की तरफ उसमें छोटे फूल लगाएं जिससे कि उनको भी दिख जाएं। अगर आप उल्टा कर देंगे, छोटे पीछे लगाएंगे बड़े आगे, तो वो पीछे छोटे वाले नहीं दिखेंगे। इसी तरह जब आप फ्लावर अरेंजमेंट कर रहे हैं या पॉट्स अरेंजमेंट कर रहे हैं तब भी ये कोशिश करें कि जो छोटे वाले हैं जिनकी छोटी हाइट है उनको आप आगे की तरह लगाएं, बिल्कुल फ्लावर बेड बन जाएगा। और पीछे की साइड आप लंबे वाले लगाएं, जैसे कि स्कूल में बच्चे खड़े होते हैं पीछे लाइन में, लंबे बच्चे और आगे हम छोटे बच्चों को खड़ा करते हैं, उसी तरह सेम जैसे यहाँ निमेशी आप देख रहे हैं, कलांचू देख रहे हैं, और आप यहाँ पे डॉग फ्लावर देख रहे हैं, जिरेनियम्स देख रहे हैं, पीछे की साइड डहलियाज हैं और पॉपी है, ये ल्यूपिन्स हैं। तो इस तरह से आप फ्लावर अरेंजमेंट कीजिए, फ्लावर्स के पॉट का सिलेक्शन कीजिए कि जिससे सारे ही फूल आपके दिखें और जो मेहनत आपने की है ना वो आपको दिखे। तो अभी मेरा, मैं आपको जैसे बता रही हूँ, मेरा गार्डन पूरी तरह से नहीं खिला है और बस कोशिश होती है कि जो फ्लावर अभी खिले हैं फिर वो जब हम बाद में अपडेट वीडियो देंगे तो वो मुरझा जाएंगे, इसलिए आज एक वीडियो दे रही हूँ और एक मैं होली के आसपास दूंगी आपको, जिससे कि आपको जितने भी मेरे फ्लावर्स खिले हैं वो दिखा सकूँ। इधर है ये डेहलिया और अफ्रीकन डेजी आप देख रहे होंगे छोटा, जिसे ऑस्ट्रोपर्मम कहते हैं। इस बार मुझे उसके कलर्स मिल गए हैं, हाइब्रिड कलर्स हैं, येलो ऑरेंज पर्पल, नहीं तो ऑलमोस्ट हमें पर्पल और वाइट सिल्वर कलर ही देखने को मिलता है, और जो थोड़ा ऊंचाई पर खिलता है, लेकिन ये बिल्कुल छोटे हैं, ड्रॉप वेराइटी है। तो इसको मैं लाई थी नर्सरी में, मुझे दिखा था तो इसको मैंने पहली बार ग्रो करा। इधर कलांचूज हैं, आगे की लाइन जो आप देख रहे हैं इसमें बर्बीना है और जिरेनियम्स हैं, इस तरह से है। और एक बार आपको और इसको घुमाती हूँ कैमरे को, तो इस साइड आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे है मेरा जो शो स्टॉपर्स जिसे कहते हैं ऑर्किड, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है दोस्तों, पिछले एक महीने से खिल रखा है, बहुत प्यारे फूल आते हैं। सिम्बेडियम ऑर्किड है ये, और मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो किया है, लेकिन थोड़ा सा दुख मुझे ये हुआ है कि ये तो वाइट आया ही था, लेकिन मुझे लग रहा था कि दूसरे गमले में मेरे अलग प्लांट अलग फ्लावर खिलेगा, लेकिन सेम खिल गया है। चलिए कोई बात नहीं, गार्डनिंग में ऐसा हमेशा होता है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कई बार वो नहीं होता है, क्योंकि ये बंद कलियाँ दोस्तों मैं लाई थी, तो बंद कलियों में तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कौन से कलर का फ्लावर खिलेगा। और यहाँ है सारा मैम्बुलेंस, तो देख रहे होंगे आप छोटे छोटे गमले हैं, बिल्कुल मैंने लाइन से इनको लगाया। और पीछे की साइड ये है फूशिया, तो दोस्तों फूशिया मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है और जो इसके फ्लावर्स हैं बहुत खूबसूरत खिलते हैं। और ये है सिनेरेरिया। तो दोस्तों अगर आपके गार्डन में छाया है या गार्डन में एक एरिया ऐसा है जहाँ छाया रहती है वहाँ आप इसको लगा सकते हैं, सिनेरेरिया हो गया, फूशिया हो गया, साल्विया हो गया, ये आपका छाया में भी चलता है, इम्पेशंस बहुत अच्छा चलता है छाया में। तो आप इस तरह की प्लानिंग करें कि जहाँ छाया है वहाँ छाया वाले प्लांट्स लगा दें, जहाँ धूप जिसको ज़्यादा चाहिए वहाँ धूप वाले प्लांट्स लगाइए। तो ये देखिए यहाँ पर आधे दिन की सनलाइट पड़ती है, तो मैंने ये पेंसी है और सिनेरिया है, फूशिया है, इनको यहाँ पर लगाया है। तो ये सारे फूल इतने बढ़िया इतने सुंदर खिल रखे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया बारिश के कारण ओलों के कारण ये सब टूट गए हैं, झुक गए हैं, इनको रिवाइव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मैंने आपको दिखाया है, और थोड़ा सा आपको फूशिया के प्लांट्स और दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग बोर होने लगते होंगे। तो इधर दिखाती हूँ बस ये फ्लावर्स और फिर ख़त्म करती हूँ अपना वीडियो। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये पर्पल एंड पिंक कलर का फ्लावर्स हैं दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत होते हैं और सबसे पहले ये खिलते हैं। तो मैंने जितने भी अभी तक फूशिया लगाए हैं तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये वाले फ्लावर्स सबसे जल्दी खिलते हैं, ये वाली वेराइटी सबसे जल्दी खिलती है। और जो इसमें मैं पिंक या वाइट वाले लाई हूँ उन्होंने अभी ब्लूमिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा था और फिर बारिश और ओलों की मार भी इन पर पड़ गई। तो जो अब खिलेंगे तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए पिंक लग रहा है मुझे इसका कलर, और एग्जैक्टली कलर तो खुलने पर ही पता लगेगा कलियों के कि कौन सा कलर है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं फूशिया के प्लांट्स हैं।
ये देखिए ये खिला था, ये मैं भीमताल से लाई थी, वाइट विद पर्पल या पिंक आप कह सकते हैं वो था ये। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।